लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी INDIE गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है इस गठबंधन को, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि TMC लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ममता ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मेरे प्रस्ताव को ठुकराया गया, इसलिए अब TMC अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ममता कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने पर राजी नहीं थी, जबकि कांग्रेस 42 में से 12 सीटों की मांग कर रही थी। ममता ने लेफ्ट पर एजेंडा थोपने का भी आरोप लगाया है। ममता इस बात पर भी भड़की हुई है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। तो INDIE गठबंधन में ये बड़ी दरार निकल करके सामने आई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है ममता बनर्जी ने कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ ममता ने कहा कि मेरे सभी प्रस्ताव को ठुकराया गया, और इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट के रुख से ममता नाराज है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो लगातार गठबंधन तिगड़म बैठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी फॉर्मूले को लेकर के भी नाराजगी की बात सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात जो थी वो नहीं बनी थी, क्योंकि ममता जो थी वो लगातार 2 सीट पर अड़ी हुई थी कि कांग्रेस को हम 2 सीटें देंगे। और जब ममता का यह बयान आया था, उसके बाद आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी भी कहते नजर आए थे कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमें भीख में ये 2 सीटें भी नहीं चाहिए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो देखिए किस तरीके से INDIE गठबंधन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद जब ये गठबंधन तय हुआ तो आप देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप सबको जोड़ने निकले हैं, सबसे पहले जो आपके अपने दल के लोग थे, जो आपके जितने दल आपके साथ थे, कम से कम आप उनको तो पहले जोड़ लेते। लेकिन अब इसी को लेकर के देखिए किस तरीके से बंगाल में ममता का एकला राग जो है वो फिर से सामना है, क्योंकि INDIE गठबंधन में फूट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि TMC लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। और ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे थे कि जब अगर ये गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा तो शायद तस्वीर बदल सकती है, या फिर कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो भी बदल सकता है। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं, और अब इस खबर ने आने वाले समय में तमाम बाकी और दलों के भविष्य पर भी, और सबसे बड़ी बात यह कांग्रेस के भविष्य पर भी, संकट के बादल जो है वो गहरे कर दिए हैं। क्योंकि ममता ने साफ कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर मेरे प्रस्ताव को ठुकराया गया, इसलिए अब TMC जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने पर दरअसल ममता जो थी वो राजी नहीं थी। तो इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस और ममता अब साथ नहीं है, क्योंकि जो हाथ थामने की कोशिश की गई थी, और अब वो हाथ छूटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि INDIE गठबंधन क्या सच में टूट गया है, सीट शेयरिंग पर ही वाकई में बात बिगड़ी है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और थी? तो सबसे बड़ी बात यह कि TMC के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने से अब देखना होगा कि BJP को कितना फायदा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अब खबर ये कि INDIE गठबंधन जो है वो टूट चुका है, और रूपरेखा पूरी क्या होगी, कैसे ये लोग आपस में लड़ेंगे साथ में चलकर, 24 में जो दल है धीरे धीरे करके साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब गठबंधन कारगर साबित होता तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी सबको जोड़ने की बात कह रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, लेकिन जो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ है आपके सहयोगी दल, कम से कम पहले उनको आप जोड़े रखिए, तभी आप किसी और को जोड़ पाएंगे।
तो बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सिन्हा साहब। सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सिन्हा साहब, इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि ममता बनर्जी साफ कह चुके हैं कि हम अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका? अपना साथ के लिए, दुर्नीति से बचने के लिए, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए सब लोग एकजुट होगा। आईएमडी नाम दीजिए, कुछ दिन खाना पीना किया, लेकिन आज जब लड़ाई का मॉडल आया तो एक दूसरे का हाथ छोड़ने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है जी, जी बिल्कुल। राहुल जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त सिराज हाकिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री हैं। सिराज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सिराज साहब, इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि ममता साफ साफ कह चुकी है कि कांग्रेस ने यात्रा को लेकर कोई चर्चा नहीं की, हमसे कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं की? क्या वाकई में सीट शेयरिंग को लेकर ही बात बिगड़ी है या फिर वजह कुछ और है? चलिए, संपर्क टूट गया, सिराज साहब से आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दरअसल और चलिए अब सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम से, जहां से हमारे एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, जिस तरीके से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको, आईएनडीआईए गठबंधन को कितना बड़ा ये झटका कि साफ साफ टीएमसी कह रही है कि लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे? बड़ा झटका नहीं नीदा, बल्कि देखिए, आप तमाम चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं, बहुत सालों से आपने भी पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखा है, ग्राउंड पर भी देखा है। देखिए, साफ तौर पे आप कह सकती हैं कि ये बड़ा झटका नहीं है, बल्कि आप साफ तौर पे ये कहिए कि इंडिया गठबंधन को खत्म होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि ममता बनर्जी कोई ऐसा नहीं था कि कोई वो उत्तराखंड या झारखंड या छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व करती हैं। वो ममता बनर्जी 42 सीटों वाले, जहाँ पे 42 सीटें हैं लोकसभा की, उस बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं। सबको पता था कि वो किस तरीके से इस पूरे गठबंधन को लेकर कितनी आक्रामक है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये बात तयशुदा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाइयों की बात करें, विपक्षी पार्टियों की, उसमें वो कहीं ना कहीं अगुवा रही हैं। कई बार उनकी पार्टियों पर हमले हुए हैं, कई बार उनकी पार्टियों के कई सारे विधायक हों, मंत्री हों, सभी लोग जेल की यात्रा कर चुके हैं, कई सारे आरोप लगाए हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, ये बात तयशुदा था। और जिस तरीके से तीन बैठकों में कहीं भी एक बैठक की अगर छोड़ दी जाए तो किसी ऐसी बैठक से वो गैर हाजिर नहीं रही, वो मौजूद भी रही, और उसमें मौजूदगी के साथ साथ उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से इसको बड़ा करने की भी कोशिश की है। इसमें मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि हर जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है कि कैसे पूरे परिवार को इकट्ठा रखना है, कैसे किसकी जिम्मेदारी तय करनी है, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है, ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है बड़े भाई पर। और बड़े भाई की भूमिका किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जो इल्जाम वो लगा रही है वो कोई गलत नहीं है। आप जरा सोचिए ना कि आप कोई बड़ी यात्रा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जहां पे पिछली बार जब आपकी यात्रा थी तो वहां गठबंधन के साथियों की सरकारें नहीं मिल रही थी आपको। हाँ, जहां से शुरुआत की थी वहां जरूर तमिलनाडु में सरकार थी, जिसने बहुत स्वागत भी किया था। आप याद कीजिए, जब इन्होंने पहली यात्रा शुरू की थी, 12 जोड़ो यात्रा, उसका कैसे स्वागत किया गया था स्टालिन के द्वारा, और उन्होंने पूरा स्वागत समारोह करने के बाद उनको वहां से सी ऑफ किया। वही ठीक कंडीशन ये चाहती थी कि भाई, जब अगर आप बंगाल में आ रहे हैं, आप अगर बिहार जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश, जहां पे आपकी सहयोगी पार्टियां बड़े स्तर पे हैं, जहां पे सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं, आप उनको तो गुडविल में रखेंगे, आप उनको तो बताएंगे। सबसे पहली जो आपत्ति हुई है ममता बनर्जी को इसी बात से है कि कल आप तैयारियों में हैं, आप बंगाल में एंट्री करने वाले, आपकी यात्रा एंट्री करने वाली है, और उसकी जानकारी कोई सहयोगी पार्टियों की नहीं है। आप क्यों नहीं, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन बनाया? बार बार कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है, बार बार कोऑर्डिनेशन की ये कमायदों की कोशिशें की जाती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप समझिए, कांग्रेस की तरफ से आपको याद होगा आशिफ, कि जब बात ये आई निकल करके कि कांग्रेस पार्टी 42 में से 12 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने पर ममता बनर्जी राजी नहीं थी, जब ये खबर निकल करके सामने आई, तो कांग्रेस पार्टी को बजाय इसके कि बातचीत करनी चाहिए थी या फिर सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय करना चाहिए था, आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी क्या कहते नजर आए, तो उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए। तो ये तो रवैया था इनका अपने सहयोगी दलों के साथ, कहीं ना कहीं उसका ही खामियाजा समझ के भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बात ही नहीं की।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जिस शख्स का नाम आप ले रही हैं, मैं आपको साफ बता दूं कि जिस दिन से अधीर रंजन चौधरी की जिम्मेदारी बढ़ी है, उसी दिन से बंगाल में साफ तौर पे कभी भी किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां से कभी बेहतर नतीजे हासिल किए हों। क्योंकि आप सोच के देखिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी वहां डिटेट करते जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पता नहीं क्या ये आप कह सकती हैं कि कॉकस है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें और सम्मानित करके बड़ा नेता बना दिया जाता है। अरे आप जरा सोचिए कि जब आप गठबंधन की कवायदे कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आप कहां हैं? आप देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव नाराज नजर आते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार नाराज नजर आते हैं, तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे नाराज नजर आते हैं, चौथी तरफ आप शरद पवार नाराज नजर आते हैं, और ममता बनर्जी ने तो फैसला ले लिया। अब आप अखिलेश यादव ने जो बात कही थी वो क्या गलत कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था कि जब आपको गठबंधन करना है, आपको गठबंधन में आगे चलना है, तो आप अपनी यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के सीटों के गठबंधन का अनाउंसमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एक तरफ बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कि जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की लगातार कांग्रेस पार्टी में सवाल खड़े और कि जो उनकी यात्रा आसाम में चल रही है, आसाम में वो मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की ही पैदाइश रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने ही उनको इतना बड़ा नेता बनाया, आज वही लीडर आंखें दिखा रहे हैं, और वो भी पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि ये ताकत अख्तियार हुई है उनको। आप ये बात समझना कांग्रेस पार्टी को है कि अगर आपको गठबंधन में सबको एक साथ रखना है, एक साथ लेकर आगे चलना है, तमाम लोगों का ख्याल रखना है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। और इस बात को रख लीजिए कि ये बात बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती आई थी कि ये गठबंधन नहीं चलेगा, उसका आज उसके बात पे आज मुहर लगती नजर आई है। ये लोग खुद ही उस पर मुहर लगा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं आपकी भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। आशिफ, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, दरअसल एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि आखिर ममता बनर्जी ने आज कहा क्या, जिसके बाद একদম সিয়াসি উবাল যে চারো তরফ মচ গেল। সরকারকে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবারও, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবারও জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাই। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলুটলি রং, মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলুটলি রং। কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে, ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটুর চতুর্দশ। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন, কোনো কথা হয়নি। तो दरअसल कांग्रेस ममता अब साथ नहीं है, सीट शेयरिंग पर बात जो है वो बिगड़ चुकी है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने बंगाल में गठबंधन धर्म जो है वो नहीं निभाया, ये कहती हुई नजर आई ममता बनर्जी। और उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, ये बाद में देखा जाएगा। वो साफ ये भी कहती नजर आ रही, मतलब उनको रिजल्ट से या आने वाले समय में इसका नतीजा क्या होगा, इससे बिल्कुल बेफिक्र ममता बनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि हमने जो भी प्रस्ताव दिया वो ठुकराया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आगे कहती हुई नजर आ रही है कि हमने तय किया है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा हो रही है राहुल गांधी की, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कांग्रेस पार्टी पर यह इल्जाम कि बंगाल में गठबंधन धर्म जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाया है, बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यह ताल फिलहाल ममता बनर्जी की तरफ से ठोक दी गई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पर वो आरोप लगानी है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि वो साफ साफ ये कह रही है कि इतनी बड़ी यात्रा का भी जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी, कोई भी बात, कोई भी प्रस्ताव अगर हमने तो उन्होंने हमारा वो प्रस्ताव भी नहीं माना, तो लिहाजा हमने तय किया है कि हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो यात्रा की एंट्री से पहले बंगाल में गठबंधन जो है वो फिलहाल टूट की कगार पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ टीएमसी की तरफ से कह दिया गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ममता अब साथ नहीं है, और सीट शेयरिंग को लेकर पिछले दरअसल काफी लंबे समय से इन दोनों ही पार्टियों में खींचतान की नौबत जो थी वो देखने को मिल रही थी। और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी नमित त्यागी भी इस वक्त सीधा फील्ड से जुड़ चुके हैं। नमित, क्या लग रहा है, टीएमसी ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अब टीएमसी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? नमित,
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है, निश्चित तौर पर गठबंधन की गांठें जो हैं वो अब खुलनी शुरू हो गई। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर नो डाउट की टीएमसी बड़ी पार्टी है और इससे पहले कांग्रेस और वामपंथी दल उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हुए आए हैं। और सौरभ भारद्वाज ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के साथ शीट शेयरिंग करना एक बड़ा मसला है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद ममता बनर्जी साथ आए, लेकिन लग नहीं रहा। जिस तरीके से आज ममता बनर्जी की जो लैंग्वेज है, उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया और सीधे तौर पर कहा है कि अगर बंगाल के अंदर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, इससे रिलेटेड उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जो प्रस्ताव शीट शेयरिंग को लेकर उनके द्वारा दिए गए थे उनको ठुकरा दिया जाता। और याद कीजिए, जब शीट शेयरिंग का बात चली थी निदार टीएमसी से, तो दो सीट की देने की बात टीएमसी की तरफ से जब कही गई थी, तो जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जब वो शब्द बोले गए थे कि हमें दो सीटें भीख में नहीं चाहिए, क्योंकि दो सीट तो 2019 में कांग्रेस पार्टी जीतकर ऑलरेडी आ चुकी है, तो जब अधीर रंजन चौधरी की वो भाषा और वो जो तीखे तल्ख निकल कर आए थे, उसी वक्त ये क्लैरिफाई हो गया था कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य बैठाना इतना आसान होगा नहीं। बिल्कुल आशिफी भी हमारे साथ लगातार हमारे एडिटर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशिफ क्या लग रहा है, देखिए जिस तरीके से अभी ममता के तेवर सामने आए, लेकिन अखिलेश भी इस नाराजगी को कई बार जाहिर कर चुके हैं, खुला खुला वो कहते हैं मीडिया के सामने भी कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो नहीं मानी जा रही। उधर अगर नीतीश की बात करें तो वो भी कभी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच जाते, कभी कहीं, मतलब कुल मिलाकर के समझ लिया जाए क्या कि सिर्फ दरार नहीं पड़ी है बल्कि पूरा टूट चुका है INDIA गठबंधन, जिसकी ताल ठोकी जा रही थी इस गठबंधन की तरफ से कि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और मिलकर के बीजेपी को हराएंगे, ऐसे सामना करेंगे ये बीजेपी का। बिल्कुल आप सही करी निधा। और देखिए मैं इस वक्त न्यूज रूम में हूं, मैं एक आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार इस खबर की चर्चा हम भी कर रहे थे। आखिर जब जब जिस तरीके से आप कह लीजिए, या ममता बनर्जी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, उद्धव ठाकरे की बात हो, जब ये लोग लगातार किसी न किसी तरीके से हलचल करते नजर आए, आप याद कीजिए शरद पवार भी कई कुछ दिन पहले वो नाराज नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं से ये बात साफ नजर आ रही थी कि ये इन लोगों में बात तो एक साथ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, बैठ के बात तो करना चाहते हैं, लेकिन सबके ग्रीवांसेस बहुत ज्यादा हैं, सब लोग की अपनी अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। वो लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी इसकी पहल करे, कांग्रेस पार्टी चाहे कि ये इसको कम कैसे किया जाए, ज्यादा कैसे किया जाए और किसको किस तरीके से बैठाया जाए। और अभी तक आप देखिए कि ढाक के तीन पात की तरफ अभी तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी एक राज्य में ये तय नहीं कर पाई है कि वो किसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है और वो अपने सहयोगी को कितनी सीटें दे रही है, सहयोगी उसके साथ किस तरीके से, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है, भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेट में तय कर लिया है कि किसको कितनी सीटों पर लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि वो अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि उसके एजेंडे क्या क्या होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि उसके कैंडिडेट को किस किस तरीके से फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट और थर्ड रूट से पार कैसे करना है, उसकी तैयारियां रोज हो रही है, क्लस्टर लेवल पर बैठकें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को पूरी तैयारियों में लोकसभा के चुनाव के जुटना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ यात्रा के लिए तैयारी कर रही है। यात्रा का इंपैक्ट क्या होगा ये तो बात की चीज है, लेकिन यात्रा के साथ साथ आपको ये भी तय करना है कि जिस बात के लिए आप यात्रा करने जा रहे हैं, जिस बात के लिए, जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं, कम से कम उसका भी तो अमलीजामा पहनाना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज, अब आप अखिलेश यादव की बात मत भूलिए मुनिदा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बजाय तरजीह RLD को दी, RLD के साथ उन्होंने दो दिन पहले ही वो खड़े होकर उन्होंने ये कह दिया कि हमारा गठबंधन RLD के साथ तय हो गया, हमने RLD को 7 सीटें दे दी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वही उसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विनीत घोष साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष बीजेपी बंगाल से वो सीधा जुड़ चुके हैं। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। विनीत जी सबसे पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप, देखिए रास्ते में राहुल गांधी है, इधर ममता ने अपनी अलग राह चुन ली है, अब सवाल ये है कि बाकी और जो है नीतीश है, केजरीवाल है, अखिलेश है, क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज ये। देखिए ये जो चर्चा हो रही, जो स्टेटमेंट, इसमें से कोई निर्णय लेना जल्दीबाजी होगा। अब फरवरी महीना देखिए आप, ये सब चलेगा ना, ये मीडिया गर्म करने वाली बातें हैं। ममता बनर्जी भी जानती है कि बिना अलायंस के मुस्लिम वोट का अगर विभाजन हो जाए तो जीत नहीं पाएगा, और कांग्रेस की मजबूरी है, अभी 5 स्टेट में जो बुरी तरह हारे हैं उन लोगों ने, तो उसकी नतीजा देख के उनको भी लग रहा है कि बिना अलायंस के हम फिर एक बार 50 पार करना मुश्किल है, सबकी मजबूरी है। और ये राम मंदिर का मामला लेके देश में जिस प्रकार से उन्मादना है और इन्होंने विरोध करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, तो उनको ये भारी पड़ेगा, इसलिए वो आएंगे, अभी केवल मीडिया में ही टिके रहने के लिए ये सब स्टेटमेंट दिया जा रहा है।
मतलब आपकी तरफ से तो पार्टी की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही थी कि गठबंधन टिकेगा नहीं, और जब आज ये बिखर रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि केवल ये मीडिया में बयानबाजी के लिए है? नहीं, टिके ना टिके हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी अकेले लड़के पिछले बार किया है, और जो हमारे अलायंस है वो है। बीजेपी की किसी भी टीम की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मोदी है, बीजेपी है, इसलिए बीजेपी आज जीत के फिर सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका इस तमाम जानकारी।